जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वर्दी वर्ष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की जो ये न्यूज होने वाली है, एक बार आपको बता दें, इंडियन पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी को लेकर ये न्यूज है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है देख लीजिए, ये टोटल वैकेंसी है 98,083। मतलब इसमें दो तीन पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। MTS आपने सुनाई होगा ना, MTS के फॉर्म निकलते हैं, 10th से भी निकलते हैं, 12th से भी निकलते हैं। और चलो बता देती हूँ आपको, ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है, अभी तो इतना ही लिखा है, थोड़ा सा और है, पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। टोटल पोस्ट 98,083 है, जिसमें पोस्ट जो नेम है, पोस्ट नेम बोले तो पोस्ट वाइज कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्टमैन की आपकी इतनी है 59,099। बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल की है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। पोस्ट नेम समझ गए ना, पोस्टमैन की कितनी है 59,099, मेल गार्ड की कितनी है 1,445, MTS की कितनी है 37,539। बहुत बड़े पद हैं ये, 10th से भी हैं और 12th से भी हैं, ठीक है। तो 10th वाले बच्चों के पास भी अच्छा मौका है और 12th वाले बच्चों के पास भी काफ़ी अच्छा मौका है, तो बस तैयारी कीजिएगा। और अब आप एक बार देख लीजिए काफ़ी अच्छे से, पोस्टमैन के कितने पद हैं 59,099, ठीक है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है 12th के बाद, 10th के बाद नहीं, ठीक है, 12th के बाद। 12th के बाद ये मैंने जो लिखा है कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपके पास ये नहीं पर्टिकुलर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए ना। ये नहीं कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिना सर्टिफिकेट के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी कितनी होगी, 21,700 से लेकर आपकी 69,100 तक आप सैलरी तक पहुंच जाओगे। DL बोले तो ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर आप जानते हैं ना, टू व्हीलर में आपके मोटरसाइकिल वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। एज कितनी होगी, जो जनरल वाले हैं उनके लिए एज है 18 से 27, OBC वालों की 18 से 30, और SC और ST वालों की 18 से 32, ठीक है। अब आप देख लीजिए मेल गार्ड की कितनी वैकेंसी है, ये 1,445 है ना, अब इसमें क्वालिफिकेशन 12th है, सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक आप पहुंच जाओगे आसानी से। एज जनरल वालों की 18 से 27, OBC की 18 से 30, SC ST की 18 से 32, ये समझ गए ना आप। अब इसी प्रकार मल्टीटास्किंग, जिसे हम बोलते हैं MTS, हर साल फॉर्म निकलते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, 10th या 12th। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वैकेंसी 10th से भी निकलेगी और 12th से भी निकलेगी। इसके जो पद हैं वो कितने हैं, इसके पद हैं 37,539। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये जो हमारी जनरल की एज है 18 से 25 है, OBC की 18 से 28 है, SC और ST की 18 से 30 है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लोकल भाषा होगी, ये नहीं कि जैसे हमें गुजराती आती नहीं है, हम UP से रहने वाले हैं, हमने फॉर्म फिल कर दिया गुजरात से, तो अभी अभी तो आप एग्ज़ाम वगैरह दिया होगे, लेकिन आगे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप फॉर्म हिंदी में फिल कीजिएगा, समझ पा रहे हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी आएगी, तो 3-4 स्टेट की मैंने लिख दी है ना, तो और जो भी PDF होगी वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, बस आप देख लीजिए UP मतलब उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कितनी है, 4,992, सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए, बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है ये। पोस्टमैन के लिए, मेल गार्ड के लिए 116 है, MTS मल्टीटास्किंग के लिए 3,911 है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। दिल्ली वालों के लिए 2903 है, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की है 20, MTS की है 2667, बिहार वालों के लिए 1851 है, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की है 95, और MTS की है 1956, हरियाणा वालों के लिए 1043 है, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की है 24, MTS वालों की है 818 वैकेंसी। काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिएगा, बस यही कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। एग्ज़ाम इसका
ऑनलाइन होने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार मेरिट बेस पे ये वैकेंसी हुई थी ना, पोस्टमैन या आपको पता है, एक बार देखना, एक वैकेंसी आई थी वो मेरिट बेस पे हुई थी, ठीक है। तो इस बार मेरिट बेस पे होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, इस बार आपका एग्ज़ाम होगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और सिलेबस अभी ऑफिशियल नहीं आया, अगर आपका सिलेबस ऑफिशियल आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और SSC द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। जनवरी और फरवरी में इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, संभावना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पे दबा देना, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, ठीक है। जय हिंद।